सेवा में रहने वाले हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले भगवत नाम के धनिक चक्र वंदनीय साधु समाज सत्संग धर्मी संचनों भक्त मध्य माताओं बहनों एवं स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण श्रेष्ठ जन सबों को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मन तन दुबारे का सब रहता है। ये मानव का शरीर परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, जो मानव का शरीर है ये बड़ा ही मूल्यवान है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भक्ति की सीढ़ी पर आरूढ़ होने के लिए ये मानव का सुदुर्लभ शरीर हमें मिला है। मानव के शरीर से कोई धर्मगुरु बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई देवी देवता बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजनों पुरजनों को बुला करके, नगरवासियों को बुला करके क्या कहा? धन दौलत की बड़ाई करते भगवान, कुबेर की बड़ी तारीफ करते भगवान,
इंद्र की बड़ी तारीफ करते, नर का जो ईश होता है उसको नरेश बोलते हैं, सुर का जो ईश होता है उसे सुरेश बोलते हैं, और जो सबका ईश्वर होता है उसे सर्वेश बोलते हैं। भगवान श्री राम धन दौलत की बड़ाई नहीं किया, राजपाट की बड़ाई नहीं किया, भगवान राम ने बड़ाई किया। भगवान राम ने पितृलोक की बड़ाई नहीं किया, ब्रह्मलोक की बड़ाई नहीं किया, शिवलोक की बड़ाई नहीं किया, भगवान ने बड़ाई किया बड़े भागवान उस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर बनता है। और ये मानव का शरीर देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सबसे बड़ी विशेषता मानव शरीर का यह है कि इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मानव के शरीर में अनेक चक्र है, सारे चक्रों में, सारे इंद्रियों में देवी देवताओं का वास। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य निलंबे। इसकी उपासना करें। हमारे उपनिषद का लिखा है, अंधम तमम परिशंति ए विद्या उपासते ततो भूय एव ते तमो यो विद्यारता। वो व्यक्ति अंधकार से घोर अंधकार में प्रवेश करता है जो कर्मकांड में लगा हुआ है, यज्ञ याज्ञ में लगा हुआ है, बहुत सारी उपासना में लगा हुआ है। फिर उपनिषद कारण लिखा, अंधम तमम परिशंति ए असंभूति उपासते। हमारे वेदों में 1,00,000 मंत्र है जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान कांड के हैं। श्वेता शतरुपनिषद में लिखा हुआ है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। हमारे जितने भी आचार्यों का, वल्लभाचार्य, टोटकाचार्य, निम्बार्काचार्य, सबका जो भाष्य लिखा हुआ है, ये 4,000 जो है ज्ञान कांड के मंत्र उसी पर है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज यद्यपि देवी देवता का समर्थन करते हैं, फिर भी उन्होंने देवी देवता का आरती किया है। उन्होंने ये बताया है, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उपासना करने से मन एकाग्र होता है, और ज्ञान की प्राप्ति होने से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। हमारे कुरान शरीफ में एक शब्द आया है तौहीद, और तौहीद का मतलब होता है एक ईश्वर बात। दूसरा शब्द आया है मौसरिक, मौसरिक का मतलब होता है बहुदेववाद। हमारे देश भारतवर्ष में बहुत सारे देवी देवता की उपासना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा माता की उपासना किए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण, विश्वास रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इन सब उपासना से थोड़ा लाभ होता है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं, हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, हमारे शरीर में एक दरवाजा है, ये 9 दरवाजा जो है मलिन है। गुरुदेव ने कहा, तनन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तजी चहु दसम द्वारे सुख पावो रे भाई। दसवां द्वार में प्रवेश करने की बात करते हैं। 9 दरवाजे में रहेंगे, दरोगा बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। 10वां दरवाजे में जब जाएंगे और 10वां द्वार में भी यदि हम
शहरक में जाएंगे, सुषमना में जाएंगे, रास्ता सहरंग में है दिलवर पे जाने के लिए। उपनिषद का लिखते हैं सुषुम्नायाम यदा योगी चरेक मिष्ठती, सुषुम्नायाम यदा योगी चनाट मिष्ठती, सुषुम्नायाम यदा योगी नियते चिर निर्वत। सुषुम्ना में जो योगी दूध और पानी की तरह मिल जाता है, आप हंस को देखते हैं, हंस के सामने कटोरा में आप दूध और पानी मिला दीजिए, हंस क्या करता है, दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा, सार सार को गई रहे तो था गई उड़ाए। संत महात्मा लोग कहते हैं तुम दसवां द्वार में जाओ, हमारे गुरुदेव महर्षि वही ब्रह्म जी महाराज ने कहा पार गमन ही सार भगति है, लोहिया ही में धार कहीं मानुष देह समैया में और परमेश्वर में। तो पारगमन क्या है, हमारे शरीर के भीतर अभी तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की दशा दुर्दशा हम देखते रहते हैं, इस संसार में आते हैं, संसार का कर्म करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, शादी विवाह होती है, बाल बच्चे पैदा होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, अपनी शरीर छूट जाता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गई तेल निपट गई बाती, लेचन लेचन हो रहा, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के। शरीर को चला देते हैं, हमारे हिंदू भाई शरीर को जलाते हैं, खोर खोर के जलाते हैं, जब जल जाता है शरीर अपने घर आते हैं तो घर वालों से कहते हैं मैंने पूरा शरीर को खोर खोर के जला दिया, सब कुछ जल गया कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारा अध्यात्म सास कहता है अरे भाई थोड़ा ही जला है, ज्यादा तो बच ही गया, क्या जला, स्थूल शरीर जला, सप्त धातु का काया पिंजरा कामा ही जुक्ति भी सुहा, सतगुरु बुले तो बुरे बाबू नहीं तो पर हुआ, आड़ मान से जल गया शरीर, जल करके राख हो गया, एक मुट्ठी भस्म बन गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर रह गया, कारण शरीर रह गया, महाकारण शरीर रह गया। गुरुदेव कहते हैं पार गमन ही सार भगति है, लोहिया हिरिये में धार। क्राइस्ट जीसस कहते हैं तुम्हारे शरीर में एक तंगनदी है, उस तंगनदी में तुम सदगुरु की कृपा से जा सकते हो, सदगुरु से दीक्षा लोगे, सदगुरु तुम्हें दीक्षा देंगे, और तुम्हें कहां शैन कराएंगे, शैन कराएंगे अंदर में, हम लोग बाहर में भटकते रहते हैं। संत महात्मा कहते तुम अपने अंतर में चलो, अंतर्मुखी बनो, इसके लिए एक ईश्वरवाद है, इसके लिए तौहीद है। हमारे वेद में भी ज्यादा देवी देवताओं का तो कुछ वर्णन नहीं मिलता है, उपनिषद अगर पढ़ेंगे तो उसमें आया है आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानना चाहिए, ऐसा वास्तव सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इन तत्न भूंजी था मां गृह सुध करो, ये मानव शरीर पाकर के 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, ये मानव शरीर मूल्यवान है, ये मानव शरीर को प्रपंच में न लगाओ, विषयों में मत लगाओ, कर तन पाए विषय मन देही अपरट सुधाते सठ विश्व ले। अभी हम लोग बेगूसराय गए, एक सत्संगी के घर में हम लोग ठहरे थे, हम कामेश्वर प्रकाश जी महाराज, उनका नाम था रमेश भाई, रमेश अग्रवाल जी, एक दिन कुछ बातचीत